अम्मी, अब दादी जान आएंगी? नहीं बेटा, अब तुमने अपनी दादी जान के लिए बहुत सारी दुआएं करी। लेकिन मुझे दादी जान के पास जाना है। ऐसे नहीं बोलते। दादा जान तो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे ना? दादा जान हमारे साथ रहेंगे। सोचो, उठो, 1 मिनट पीछे। हाँ, शाबाश। फलीम, खुद को संभालें प्लीज। देखें घर कितना वीरान सा हो गया। आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त अब्बू को देना चाहिए, बहुत कमजोर हो गए। खाना भी ठीक से नहीं खा रहे वो। मैं तो खुद टूट गया, बिखर गया। मामा के बाद ये घर, ये जिंदगी सब कुछ खाली खाली सा है। हजरत से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। न जाने उस पर क्या गुजरेगी जब उसे उसे ये पता चलेगा कि मामा इस दुनिया में नहीं रही। वलीद, आपने पूरी कोशिश की ना, क्या कर सकते हैं? लेकिन उसका हक था और फर्ज भी कि अपनी मां को आखिरी कांधा देता। आपको पता है, मामा हमेशा कहती थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूं कि अल्लाह ने मुझे दो प्यार करने वाले बेटे दिए और मेरे दोनों बेटे मिलकर मुझे कब्र में उतारे। तकदीर के सामने किसका बस चलता है वलीद? अम्मी को पाकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे वो मिल गई जिसकी मैंने शक्ल तक नहीं देखी। काश काश मैं आऊं, मैं उसकी आरज़ू पूरी कर सकूं। मुझे संभालते संभालते आप खुद रो पड़े। हमारे पास और क्या बचा सिवाय एक दूसरे को तसल्ली देने की? आप प्लीज अबू के पास चले जाए, वो बहुत अकेले रहेगा, बहुत तन्हा, बहुत प्यार करते थे अम्मी से। दुनिया मिसालें देती थी उनके प्यार की। लड़ते भी थे, ऐसा नहीं कि लड़ते नहीं थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। कैसे रहेंगे बाबा मामा के बिना? बाबा को क्यों छोड़ के चले? बाबा क्यों छोड़ के चले? फलीद प्लीज संभाले। प्लीज वलीद, खुद को संभाल। अब्बू को आपकी जरूरत है। मुझे मामा चाहिए, मुझे मामा चाहिए। किसी
मैं नहीं रह सकता अपनी माँ के। प्लीज संभाल खुद को प्लीज। वलीद आप बहुत मजबूत है ना, अब अब्बू को आपकी जरूरत है ना।